फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्योंकि आप बात कर रही हैं, पद्मावती के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, पर एक और फिल्म है जो अभी रिलीज या चलने नहीं दी गई, उसको जो फिल्म फेस्टिवल था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में जो हुआ है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई एस दुर्गा और न्यू दोनों को लेकर के। पद्मावती को आपने बैक किया है, पुरजोर तरीके से आपने कहा है कि इस तरह का वायलेंस, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, क्या वही सपोर्ट आप एस दुर्गा को भी देंगे? देखिए, उस फिल्म के बारे में मैं ऑनेस्टली कुछ जानती नहीं हूँ कि उस फिल्म में क्या पोर्ट्रे किया है। पद्मावती, जैसे मैंने आपको कहा कि आई नो द मेकर्स वेरी क्लोजली, आई हैव सीन बिट्स ऑफ द फिल्म ऑल्सो, आई हैव सीन व्हाट इट्स ऑल अबाउट, आई नो व्हाट द स्क्रिप्ट इज, सो मैं ठोक बजा के बोल सकती हूँ कि हाँ ये गलत है जो हो रहा है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानती, शायद मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। पद्मावती की अगर बात कर लें, अगर उसमें एक ड्रीम सीक्वेंस होता भी, क्या उसको रिलीज होने की इजाज़त लेने की जरूरत है किसी ग्रुप? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ कि जो हमारा सेंसर बोर्ड है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ सर्टन फंक्शनल पर्पस। अगर हम सेंसर बोर्ड, हम फिल्म वाले, अगर सेंसर बोर्ड ही टू अ सर्टन एक्सटेंट डिसफंक्शनल हो जाती है, और हम हर सेक्ट, हर कम्युनिटी, हर इंसान, हर गांव, हर यू नो जहां प्रॉब्लम हो उनको सोचने लगे, तो कोई भी फिल्म नहीं बन सकती है। अभी ये हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप हिंदी में ही, अब आप छोटी एक और मैं आपको इंस्टेंस देती हूँ, आप तो पद्मावती की बात कर रही हैं जो एक्चुअली मैं समझती हूँ संजय लीला भंसाली इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स, बल्कि उनको फेलिसिटेट करना चाहिए कि ही टू अ सर्टन एक्सटेंट मेक्स फिल्म विच आर ग्लोरिफाइंग आर हिस्ट्री टू अ सर्टन एक्सटेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पद्मावती, चाहे आप उनकी प्रीवियस फिल्म भी देख लें, ही टॉक्स अबाउट आर हीरोज, वेदर इज अ मराठा क्लैन और इज अ राजपूत क्लैन, एंड ही मेक्स लिटरली पोएट्री ऑन सिनेमा, you know, so in nowhere has he brought the Indian image down, if you go to see, as far as our history is concerned, but I'm going to come to that. Main ek chota instance dungi, jab main thi, aap sensitivity ki baat kar rahi hain, I was the chairperson of CFSI, Children's Film Society, aur hamari ek bahut purani katha hai jo Jataka Tales wagera mein bhi aati hai, it was about the Brahmin and the goat. एंड वो फिल्म हमने पास की, लेकिन जो हमारे इंटरनल जो पैनल था CFSI का, दे ब्रॉट अबाउट एन ऑब्जेक्शन, और आई वॉज हेडिंग इट, तो मैंने कहा क्या ऑब्जेक्शन है? बोले नो, वी कैन नॉट कॉल दिस फिल्म द ब्राह्मण एंड द गोट। आई सेड क्यों नहीं? नहीं, ब्राह्मण बिकम्स कम्यूनल। एंड आई सेड लेकिन जो कथा है, आप जो बेसिस है उस कथा की, आप उसको ही बदलना चाहते हैं, आपको किस चीज की शर्म है? नो नो नो, इट हैज टू बी चेंज्ड, इट कैन बिकम द ओल्ड मैन एंड द गोट और द वाइज ओल्ड मैन एंड द गोट, बट आई हैव वी रीच्ड अ पॉइंट टुडे दैट वी आर अशेम्ड ऑफ आर ओन हिस्ट्री, आर ओन कल्चर, आर ओन ट्रेडिशन? व्हाट इज गोइंग ऑन? और ये मैं अभी की नहीं बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं करीब आई थिंक 7-8 साल पहले की। वॉज द नेम चेंज्ड? आई डिड नॉट अलाउ इट टू बी। I said, नहीं, जाएगी तो ऐसी ही जाएगी, इफ there विल बी an इशू वी विल हैंडल इट। लकीली there was no issue, बट आई डिड नॉट परमिट दैट टू happen, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वे अ सर्टन थिंग हैज बीन। why आर वी ashamed ऑफ इट? आप हिंदी में आप एक वॉशरमैन को क्या बोलेंगे? आप धोबी ही बोलेंगे, नाई को नाई ही बोलेंगे। आपको मालूम है इरफान खान की फिल्म के साथ क्या हुआ? यू रिमेंबर दैट? धोबी के गाने को सेंसर कर दिया। The word धोबी was objectionable. तो क्या, what is happening? Why was the word धोबी objectionable? अगर मैं एक्टर हूं, एक्ट्रेस हूं, तो अगर आप मुझे एक्ट्रेस बोलेंगे या whatever the Hindi equivalent is to that, maybe some people might think, क्योंकि हिंदी में है तो डाउन मार्केट है, क्योंकि हिंदी में बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं साउंड कर रहा है। लेकिन हम लोग को हो क्या गया है? Why this kind of hypersensitivity?